नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है, लग रहा है जैसे मोती बिखरे हुए हों। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में कितने भी फंदे चाहिए। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स हम डिजाइन बनाते हैं। तो हमने ऑड नंबर में फंदे डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से। तो पहले लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो दूसरी लाइन में हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। और हम इसमें अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे, फिर इसी फंदे में एक बार और सीधा और हम हाथ थोड़ा ढीला चलाएंगे। नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी फंदे में एक बार और सीधा। नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, सीधा ऊन अपनी ओर करेंगे, फिर सीधा। नेक्स्ट फंदा स्लिप कर, अगले फंदे से हमें तीन फंदा बनाना है। एक बार सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, ये दूसरा फंदा हुआ, फिर इसी में सीधा बुनेंगे, तो ये तीन फंदे हो गए। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है, अगले फंदे में हमें तीन फंदे बनाने हैं, सीधा बुना, ऊन अपनी ओर किया, फिर इसी में सीधा, हो गया तीन फंदा। फिर स्लिप किया, सीधा बुना, एक ऊन अपनी ओर किया, ये दूसरा फंदा और फिर इसमें सीधा बुना, तो ये हो गया तीन फंदे। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, तो एक फंदे को स्लिप करते हुए और अगले फंदे में एक फंदा से तीन फंदा बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हाथ हम थोड़ा ढीला चलाएंगे, सीधा ऊन अपनी ओर और फिर इसी में सीधा। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, सीधा ऊन अपनी ओर, फिर इसी में सीधा। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, सीधा ऊन अपनी ओर, फिर इसी में सीधा। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। और रॉन्ग साइड, तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब इन तीन फंदों को, हमने एक से तीन फंदा किया था, उसको थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेंगे और फिर फ्रंट साइड से हम इसे एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब इस समय हम एक से तीन फंदा किया था, इसमें इस समय हम तीन से एक फंदा कर लिए। ऊन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, ऊन दूसरी ओर। अब देखिए ये जो तीन, एक से तीन फंदा हमने किया था, तो तीनों फंदों को थोड़ा सा ऐसे ढीला करेंगे, फिर इसे फ्रंट साइड से सीधा बुन लेंगे। ऊन हमने दूसरी तरफ कर लिया है, अब इसे हम सीधा बुन लेंगे, यानी हमने तीन से वापस एक कर लिया। अब जितने फंदे थे हमारे, उतने फंदे वापस हो जाए। ऊन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप किया, ऊन दूसरी ओर, तीन थोड़ा सा ढीला किया, फिर तीनों फंदों को फ्रंट साइड से हम सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। ऊन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर, एक से तीन किए गए फंदे को थोड़ा सा ऐसे ढीला करेंगे और फिर फ्रंट साइड से इन्हें हम
सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। बुन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना। तो हमने चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। पांचवी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधा बुन लेंगे। पांचवी लाइन में अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे। तो पांचवी लाइन में हमने सभी फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुन लिए। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये छठा लाइन है। तो छठी लाइन में हम सभी फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो छठी लाइन में हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से। तो अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये तीसरा फंदा, ये स्लिप किया हुआ फंदा था, तो इसे हमें सीधा बुनना है, फिर उनको अपनी ओर करना है, फिर इसी फंदे में एक बार और सीधा फंदा, यानी हमें एक से तीन फंदे करना है। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है। देखिए इसके ऊपर ऐसे डिजाइन बना है, तो हमें इस फंदे को स्लिप करना है। ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है, तो हमें इसके ऊपर डिजाइन बनाना है, यानी एक फंदे से तीन फंदा करना है। देखिए ये डिजाइन बना है, तो इस फंदे को हमें स्लिप करना है। ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इस पर हमें डिजाइन बनाना है, यानी एक से तीन फंदे करने हैं। यानी हमें सातवें लाइन को तीसरे लाइन के अपोजिट करना है। जिस फंदे पे हमने डिजाइन बनाया था उस फंदे को स्लिप करना है, और जिस फंदे को स्लिप किया था उस पे हमें डिजाइन बनाना है। और लास्ट फंदे को इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने सातवां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का आठवां लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, और ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इस फंदे को भी हम स्लिप कर लेंगे। अब उनको दूसरी ओर करेंगे, और ये देखिए एक से तीन किए गए फंदे को हम थोड़ा सा ढीला करेंगे और फिर इसे सीधा बुन लेंगे और तीन से एक कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर अगला फंदा स्लिप किया गया फंदा है, तो इसे स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर, और एक से तीन किए गए फंदे को थोड़ा सा ढीला करेंगे, फिर सीधा बुनते हुए इन्हें वापस तीन से एक कर लेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। ये एक से तीन किए गए फंदे, तो इसे हम थोड़ा सा ढीला करेंगे और फिर सीधा बुनते हुए ऊन को हम दूसरी ओर कर देंगे। सीधा बुनते हुए इसे तीन से वापस एक कर देंगे। ऊन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। ऊन दूसरी ओर एक से तीन किए गए फंदे को ढीला करना है, और तीनों को मैं फ्रंट लूप से ऐसे सिलाई डालते हुए तीन का एक करना है सीधा बुनते हुए। तो इसी तरह करते हुए सभी फंदों को हम बुन लेंगे, और लास्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने आठवां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब इन्हीं आठों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराते रहना है, और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, आर्ट लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। डिजाइन आपके सामने है, देखिए लग रहा है जैसे मोती बिखरे हुए हों। तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।